सावन, यानी इस अगस्त में मॉनसून 122 सालों में सबसे कम रहा है। पूरे सीजन में भी 8 सालों में सबसे कम बारिश की आशंका है और इसका सीधा असर फसलों पर पड़ेगा, क्योंकि देश में फसलों की सिंचाई के लिए 70% पानी मॉनसून से ही मिलता है। अधिकतर तालाब भी पानी के लिए मॉनसून पर ही निर्भर हैं, और अगर ऐसा होता है तो महंगाई बढ़ जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर अपने खास एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। पूरा भारत बारिश को तरस रहा है। जुलाई में उत्तर भारत ही सिर्फ झमाझम बारिश की बूंदों से भीगा, लेकिन बाकी हिस्से में सामान्य से कम ही बारिश हुई। वहीं अगस्त में उत्तर भारत भी बारिश के लिए तरसा है। इस बार पूरे मानसून सीजन में 8 सालों में सबसे कम बारिश होने की आशंका है। 1 जून 2023 से अब तक सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। अगस्त पूरी तरह सूखा रहा है और अब सितंबर के हालात भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सितंबर के लिए भी आसार अच्छे नहीं है। मौसम का हाल बताने वाली एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक पिछले 8 साल में सबसे कम बारिश की संभावना है। पूरे मानसून सीजन में अब तक सिर्फ 92% बारिश हुई है। इससे पहले साल 2015 में 86% बारिश हुई थी। अगस्त 2023 में बारिश सामान्य से 32% कम हुई। जुलाई में 13%, जून में 9% कम बारिश हुई है। 122 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब अगस्त में सूखे की आशंका है। आमतौर पर 15 से 20 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, लेकिन पिछले 4 साल से सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, क्योंकि मानसून की वापसी देरी से हुई। हालांकि इस बार आशंका है कि सितंबर में पूर्वी और उत्तरी राज्यों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अल नीनो का असर सितंबर में भी दिखाई दे रहा है। अगस्त में भी अल नीनो की वजह से बारिश कम हुई है, ऐसे में सितंबर में भी इसका असर दिख सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि इसके कारण दाल, चावल, चीनी और सब्जियों जैसी जरूरी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। जुलाई में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति दर जनवरी 2020 के बाद सबसे ऊंची रही थी। देश में फसलों की सिंचाई के लिए 70% पानी मानसून से ही मिलता है। अधिकतर तालाब भी पानी के लिए मानसून पर ही निर्भर हैं। देश की करीब आधी कृषि भूमि के पास आज भी सिंचाई के दूसरे विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे हालात में मानसून का कम होना न सिर्फ फसल पैदावार को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त हमारे साथ है खास मेहमान स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश बलावत। महेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। हम जैसा देख पा रहे हैं, 8 साल में सबसे खराब मॉनसून की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जो अनुमान थे उसमें भी ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि थोड़ा अल नीनो का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि सर, जो जुलाई में हमने बरसात देखी, पहली बार इतने सालों में हमने देखा कि दिल्ली और बॉम्बे में एक साथ मॉनसून ने दस्तक दी थी, लेकिन उसके मुकाबले अगस्त में बहुत बड़ी कमी हमें देखने को मिल रही है। आखिरकार वजह क्या रही है इसकी बड़ी? देखिए स्वाति, अभी जो हमने देखा कि मानसून की बारिश जून में कम हुई थी, साइक्लोन विपर जो आया था, जिसके कारण जो गुजरात और राजस्थान में काफी अच्छी बारिश हो गई थी, लोगों ने यानी किसानों ने फसल बो दी थी, और उसके बाद जो बारिश थी वो कम हो गई थी जून में ही। और जुलाई में क्या हुआ था कि बारिश काफी अच्छी हुई थी, क्योंकि जो अल नीनो का इम्पैक्ट है वो जुलाई में दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर तो बढ़ने लगे थे, लेकिन उनका समन्वय जो एटमॉस्फेयर के साथ नहीं हो पाया था। तो हमने देखा कि जैसे ही जुलाई खत्म हुआ और अगस्त में जो मानसून तरफ है वो पहाड़ों के ऊपर चली गई और पहाड़ों पर भारी बारिश हुई, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन बाकी जो हिंदुस्तान था उसमें क्या हुआ कि वेस्टर्ली विंड और जो सूखी हवाएं चलती रही और अल नीनो का असर भी दिखाई देने लगा। तो अगस्त का महीना काफी ज्यादा सूखा गुजरा है, 32% की कमी है, और ये 2015 के बाद सबसे ज्यादा कमजोर मानसून है। पिछले जो 3 मानसून थे उसमें ला नीना था। ला नीना जब होता है तो मानसून हमारा अच्छा होता है, और अल नीनो का असर उल्टा होता है। तो अल नीनो ईयर है ये, इसीलिए ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो रही है, यानी कि मानसून काफी ज्यादा कमजोर है। अभी जो 4 या 5 दिन अगस्त के बचे हैं उसमें भी बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, और सितंबर का महीना भी इसी की तर्ज पर जा रहा है। जी तो आप कह रहे कि इस मानसून के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबर नहीं आगे भी होने का अनुमान आप जता रहे हैं। महेश जी, एक बहुत ही अजीब सी स्थिति इस बार हमने देखी है, कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर एकदम सूखा पड़ रहा है।
तो ये जो बाढ़ और बारिश और सूखा का जो एक हमने एक अजब सा मेल इस बार देखा, क्योंकि देखा पहाड़ों में इतनी बारिश हो रही है कि वहां पर लैंडस्लाइड बाढ़ आ रही है, लेकिन ऐसी जगह जहां पर बारिश होनी चाहिए जैसे बिहार हो गया, वहां पर इतना डेफिसिट है इस बार मानसून का, तो क्या वजह रही है कि ये पॉकेट्स जो रहे हैं जैसे बिहार जैसा प्रदेश हो गया, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर मानसून इस बार रूठ गया? देखिए बात क्या होता है कि जो ट्रेडिशनली हमने देखा कि जो बिहार है असम है, ये इसमें बाढ़ हर साल आती थी, क्योंकि जब भी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ट्रफ रहती थी और जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनते थे वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते थे, और उसके कारण क्या होता था कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होती थी। तो अभी जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जब पहाड़ों पर शिफ्ट हो जाती है तो इसीलिए जो बाढ़ जैसी स्थिति, बादल फटने की स्थिति, ये हिमाचल और उत्तराखंड में दिखाई दी। लेकिन जो क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया वगैरह जितने भी बने जुलाई में जो बंगाल की खाड़ी में, पहले वो उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ बढ़ते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज का भी असर है, और अलिनो का तो है ही, लेकिन इस साल क्लाइमेट चेंज का भी असर है, और क्लाइमेट चेंज का असर पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि लो प्रेशर एरिया पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अब क्या होता है कि तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और दक्षिणी राजस्थान और गुजरात, ये जो इलाके हैं वो बाढ़ग्रस्त होते हैं, यहाँ पर भीषण बाढ़ आती है, काफी ज्यादा नुकसान होता है, जबकि उत्तर पश्चिम और जो पूर्वी भारत है वहां सूखे जैसे हालात होते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा लेट आया था, पिछले साल भी मानसून कमजोर रहा था पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में, अभी भी जुलाई तक मानसून कमजोर था, लेकिन अगस्त में अभी 3-4 दिन से कुछ बारिश अच्छी हुई है जो नेपाल की पहाड़ियों पर और जो चंपारण वगैरह में, तो वहां थोड़ा सा जल भराव की स्थिति देखने को मिली है, लेकिन अब फिर से वहां पर सूखे जैसे हालात हो गए। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि कहीं कुछ इलाकों में काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, और जो क्लाइमेट चेंज के कारण एक और मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एयर टेम्परेचर जब बढ़ जाता है हवा में मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो जो बादल बनते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वर्टिकली डेवलप्ड बनते हैं और बहुत ज्यादा भारी बारिश होते हैं। तो क्या होता है कि पहले जो झमाझम बारिश होती थी 4-5 दिन होती थी, वही 4-5 दिन की बारिश अब एक दिन में या 8-10 घंटों में हो जाती है, जिससे कि नुकसान की जगह फायदा की जगह नुकसान ज्यादा होता है और फ्लैश फ्लड वगैरह आ जाते हैं। जी तो जो आप अलिनो का असर महेश जी बता रहे हैं, अब जो आगे आने वाले साल हैं, क्योंकि इस बार तो हमने एक डेफिसिट देखा है, आप कह रहे हैं कि आगे कुछ ज्यादा संभावना आपको नहीं लग रही है कि जो मॉनसून है वो कवर अप करे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले टाइम में और जो स्पीड है मॉनसून की उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रह सकती है, पर अगला साल है उसका अगला साल, क्योंकि आपने जो अभी मेंशन किया पिछले 8 साल से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, आगे सर आगे के आने वाले 2-3 सालों के लिए क्या परिस्थिति है, अलिनो का इम्पैक्ट जो है और ज्यादा हम देख पाएंगे? देखिए अभी आगे की अगर मैं बात करूं, पहले सितंबर की बात करते हैं कि सितंबर का पहला सप्ताह जो है उसमें फिर से जो पूर्वी भारत है और मध्य भारत के पूर्वी जो इलाके हैं, जैसे कि पूर्व मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, झारखंड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ेगी थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी, और अगले साल के लिए अभी से कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलिनो जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसा लग रहा है कि ये सर्दियों तक रहेगा, उसके बाद हो सकता है न्यूट्रल कंडीशन आ जाए, क्योंकि अभी से इतना लंबा फोरकास्ट मुश्किल होता है। अगर न्यूट्रल कंडीशन आती है तो इस जो अगला मानसून है इस मानसून से अच्छा होगा, और यूजुअली क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होते हैं, तो लानीना की स्थिति तो अभी फिलहाल अगले मानसून में हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर न्यूट्रल कंडीशन में भी आ जाता है तो यानी कि अलिनो से जब लानीना की तरफ आता है तो पहले न्यूट्रल में आता है तो भी मानसून अगला जो है अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके आगे के जो मानसून है उसके बारे में अभी से कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि अभी जो आगे मानसून आएंगे उसमें इस तरह के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, या चाहे वो लालीना हो चाहे अलिनो हो, बारिश कम हो या ज्यादा हो, कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी और कुछ इलाके सूखेग्रस्त रहने वाले हैं, तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। जी तो आमतौर पर जो हम कहते हैं ना कि मानसून की विदाई अब हो रही है, तो मानसून की विदाई तक का कितना समय है महेश जी? अभी देखिए पहले क्या होता था कि ये 10-10 साल में इसका चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो एवरेज निकाला जाता है पहले 1961 से लेकर के 2010 तक का था, तब 1 सितंबर को मानसून विदाई लेता था, लेकिन पिछले कई सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा कि मानसून अक्टूबर तक रहता है, तो 1970 से लेकर के 2020 तक का जो डेटा आया उसके हिसाब से
मानसून की विड्रॉल डेट अब 17 सितंबर हो गई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा कि ज्यादा देर तक रुकता था मानसून, लेकिन इस बार हमने देखा कि पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जो भी वेदर सिस्टम बन रहे हैं वो यानी लो प्रेशर एरिया वगैरह मध्य प्रदेश से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस बार हमें लग रहा है कि मानसून समय से पहले विदाई लेना शुरू कर देगा। 10 से 15 सितंबर के बीच में पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे पूरे भारत से मानसून विदा हो जाएगी। जी मतलब 15 सितंबर लगभग 2 हफ्ते का समय आप और कह रहे हैं जब धीरे धीरे वो परिस्थिति बनेगी कि मानसून की विदाई की, तो इस दौरान महेश जी 2 हफ्ते के दौरान कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुमान जताया जा रहा है कि अच्छी बारिश हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों में तो हम देख ही रहे हैं कि बारिश हो रही है लगातार, लेकिन जहां पर थोड़ा बहुत डेफिसिट बना हुआ था क्या वहां पर कुछ आसार हैं? देखिए रिकवरी तो हमें दिखाई नहीं दे रही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक कुछ ट्रफ वगैरह बन सकती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है जो 2 सितंबर से लेकर के 7-8 सितंबर तक रहेगा, तो उड़ीसा में, झारखंड में और गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, उत्तरी तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, यानी कि पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत के पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की अपील बढ़ जाएंगी, और बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी लेकिन फिर भी काफी अच्छा मानसून उस समय दिखाई दे सकता है, तो किसानों भाइयों के लिए राहत है। लेकिन सबसे बुरी खबर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के लिए है, यहाँ पर अब आगे कोई खास उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही। जी तो कुछ राज्य है जहां पर अभी भी उम्मीद के मुताबिक बारिश की संभावना अगले कुछ आने वाले 2-3 हफ्तों में महेश जी को नहीं लग रही है। ये जो सर ये क्लाइमेटिक चेंज है, जो ये ग्लोबल फिनोमेना आप क्रिएट हो रहा है जिसके चलते हम इतना ज्यादा जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, क्या इन परिस्थितियों को टालना संभव है क्या हम सबके लिए, क्या हम अपने लेवल पर कर सकते हैं? क्योंकि अगर हर साल ऐसी स्थिति रही तो फसलें बर्बाद होगी, और फसलें बर्बाद होगी तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, और जिस तरीके से जल जीवन और इसकी जो तबाही हम देख रहे हैं इन परिस्थितियों के कारण, वो भी लगातार उनसे हमें दो चार होना पड़ेगा। क्या इसको कम करने के लिए किया जा सकता है, इन स्थिति को और थोड़ा टालने के लिए क्या कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं? देखिए वैसे तो आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो काफी ज्यादा सभाएं हो रही हैं, कई देश मिलकर के सुमित कर रहे हैं और इसके कुछ मतलब उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो आम जनता है उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, यानी कि जो व्हीकल जो ट्रैफिक है उसको कम करने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, यानी कि सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये जो एनर्जी है इसकी तरफ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करेंगे, उससे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है कम होना शुरू हो जाएंगे। रिवर्सल तो होगा लेकिन समय लगेगा, कार्बन फुटप्रिंट अगर हम कम करेंगे तब जा करके जो पहले जैसी स्थिति थी वो धीरे धीरे आएगी, उसमें भी 8-10 साल कम से कम लगेंगे, लेकिन अभी से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेंगे और ज्यादा जो जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा अलग तरह से होगा, कहीं पर भीषण बाढ़ आएगी, कभी भीषण सूखा होगा और साइक्लोन काफी ज्यादा उग्र होंगे, बादल फटेगी, घटनाएं बनेगी, यानी कि इस तरह की वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताए हैं वो अगर हम अभी से शुरू करेंगे तो काफी ज्यादा स्थिति में सुधार हो सकता है। जी तो ये जो आइडियल टेम्परेचर होता है सर, ग्लोबल टेम्परेचर क्लाइमेट का, वो कितना है जिसको अचीव करना जरूरी है हम सबके लिए, और कितना बढ़ा है उससे? ये देखिए अभी तो ये 0.9 के आसपास या 1 डिग्री के आसपास बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल एरा के बाद से, और लेकिन जो ग्रेजुअल इंक्रीज था अब इसका जो जो इंक्रीज है वो काफी ज्यादा तेजी से, यानी कि जो स्टीप प्राइस दिखाई दे रहा है, तो उससे क्या होगा कि अगर 1.5 डिग्री और तापमान बढ़ गया तो उससे ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो समुद्र में जो टेम्परेचर बढ़ेंगे, समुद्र ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और उसमें जो प्लांटेशन है वो अगर डैमेज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वो सोख नहीं पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, तो ये सारा काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, वेजिटेशन के लिए और जो भी जीव जंतु हैं। अगर वेजिटेशन, क्योंकि फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसकी जो क्वालिटी खराब हो जाएगी, अगर 50% प्रोडक्शन कम हो जाता है तो स्टार्वेशन आ जाएगा, जो मार्जिनल जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी स्थितियां बन सकती हैं। और जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो समुद्र का जो सतह बढ़ रही है तो जो लो लाइंग एरियाज है वो भी जलमग्न हो जाएंगे, करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जी
तो दूरगामी परिणाम जलवायु परिवर्तन के होंगे, जिसको अभी से संभालना बेहद जरूरी है। धन्यवाद करेंगे महेश पलावत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।